हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाले वाकरांजि लिमिटेड की। तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 3 मंथ में जो इसका प्राइस है, उसका जो लो है वो 14.61 का यहाँ BSE पे लो लगा, और जो हाई है वो 19.20 का है। तो यहाँ पे लो और हाई में जो है डिफरेंस, वो ऑलमोस्ट आप देखेंगे 5-6% यहाँ पे, और ये इसी बीच में थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में मान सकते हैं। यहाँ पर जब से डिमर्जर के बाद का, अभी बहुत सारे जो इन्वेस्टर है वो वेट कर रहे हैं कि आखिर ये क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आएगा। लेकिन इसी बीच में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया डेवलपमेंट्स किए हैं, स्पेशली अब ये IT सेक्टर की कंपनी बन चुकी है। तो IT सेक्टर में जो भी प्रॉब्लम्स थे, जो भी टेलीमेंट्स, उसके कारण से यहाँ पर एक डिक्लाइन देखने को मिला था, जो कि फंडामेंटल डिक्लाइन था। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे IT सेक्टर में था वो प्रॉब्लम। अब वहाँ से पूरा का पूरा आउटलुक चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगले क्वार्टर से इस पर एक वापस आपको IT सेक्टर काफ़ी बुलिश नज़र आएगा। अभी भी यहाँ पे एक बाइंग कंटिन्यूएशन जारी है IT सेक्टर में। यहाँ पे एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के भी सामने आ रही है, तो चलिए मैं पहले आपको उससे अवगत कराता हूँ कि आखिर ये न्यूज़ क्या है और क्यों ये काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 8 का ही ये अपडेट है, यहाँ पे वाकरांजि लिमिटेड के रिगार्डिंग में। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी इंटीमेशन है, यहाँ पे कंपनी ने बताया कि वाकरांजि टू एक्वायर 48.5% इक्विटी स्टेक इन वॉर्टेक्स इंजीनियरिंग फ्रॉम प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर आविष्कार कैपिटल। तो यहाँ पे जो आविष्कार कैपिटल है, वहाँ से इन्होंने 48.5% जो है वो वॉर्टेक्स इंजीनियरिंग में इक्विटी स्टेक यहाँ पे बाई। तो यहाँ पे इसके रिगार्डिंग जो कंटिन्यूएशन, इसका क्या इफेक्ट आने वाला है, तो देखिए जो भी आप वॉर्टेक्स इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक वन ऑफ द लीडिंग प्रोवाइडर है, जो कि ATMs होते हैं, ऑटोमेटिक टेलर मशीन्स जो भी है उसका मैन्युफैक्चरर, और मार्केट में अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव ATM जो होता है, यहाँ पे पेटेंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूजिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे जो वॉर्टेक्स है वो 10,000 प्लस ATM का जो वो शिपिंग करता है अक्रॉस इंडिया, अफ्रीका और साउथ एशिया में, तो काफ़ी बड़ा नाम है उसका। यहाँ पे इन्होंने 48.5% जो है इक्विटी स्टेक उसमें बाई किया है। तो ये काफ़ी एक तरह से स्ट्रेटजिक प्लस प्रॉफिटेबिलिटी दोनों को यहाँ पे अच्छा यहाँ पे कंपनी को सपोर्ट करने वाला है। साथ में अगर आप देखें तो जो इंटीग्रेशन है कंपनी का, आगे के जो इनका कंट्रोल और स्केलेबिलिटी है, जो ये इन्हांस करना चाहते हैं इन फ्यूचर, उसके रिगार्डिंग ये काफ़ी बढ़िया स्टेप है। और वर्टेक्स के जो यहाँ पे ATMs का जो सप्लाई है, उसमें भी इनको एक काफ़ी बढ़िया जो अलग अलग स्टोर ओपन करते हैं, और यहाँ पे जो इनका वन स्टॉप शॉप का जो सपना है, वो इससे काफ़ी मदद मिलता हुआ नज़र आएगा। और कुछ दिन पहले ही यहाँ पे RBI की तरफ से भी एक अप्रूवल मिला था कंपनी को रिन्यूअल का, जो भी ATM से रिगार्डिंग जो रिन्यूअल का लाइसेंस चाहिए होता है, वो RBI की तरफ से अप्रूवल मिला था। तो वो भी एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ है कंपनी के लिए, और साथ में ये भी एक एक्वायर किया है ATM के रिगार्डिंग, तो ये भी एक काफ़ी बढ़िया न्यूज़ निकल कर सामने आई है जो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसके लिए है। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो ATM का कारोबार है, उसमें जो अलग चैनल मैनेजमेंट है, और स्पेशली जो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यहाँ पे ये काफ़ी लो कॉस्ट में मैन्युफैक्चर करके देंगे, और जिसके कारण से इनका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है वो यहाँ पे सेव होता हुआ नज़र आएगा। और स्पेशली जब रूरल इंडिया, जो कि एक अर्बन और सब अर्बन एरिया से निकल कर जब रूरल एरिया में जाते, तो वहाँ पे वाकरांजि का अब धीरे धीरे नेटवर्क काफ़ी स्ट्रांग होता हुआ नज़र आ रहा है। वहाँ पे आप देखेंगे 6,373 ATMs जो है, और प्लान जो है 15,000 एक्स्ट्रा ATM का है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे काफ़ी कॉस्ट यहाँ पे सेव करने वाले हैं, और साथ में बहुत जल्दी यहाँ पे उसको वो अचीव करते हुए नज़र आ सकते हैं। और जब बेस की बात करते, ग्राउंड लेवल की बात करते, तो वहाँ पे जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि नेटवर्क हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की भी बात करें तो वहाँ पे स्ट्रांग होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पे इनका जो बिजनेस है वो काफ़ी बढ़िया होता हुआ नज़र आने वाला है। और रिवेन्यू जो है वो अगर बात करें, तो जो प्लान इनका है
2024 में जो रिवेन्यू है वो $1 बिलियन वो 2030 तक का यहाँ पे प्लान किया हुआ है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कंपनी का आपको प्रॉफिट देने वाली है और साथ में खुद का भी परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज होता हुआ नजर आने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ अगर डिलीवरी की बात करें तो ये 16.45 का है। यहाँ पे मतलब जो आप देखेंगे जो ट्रेडिंग हुआ है उसमें डिलीवरी ऐसे और डिलीवरी 28% है, मतलब पहले की रिगार्डिंग 16.45 जो क्लोजिंग थी, यहाँ पे अभी आप देखेंगे 28.8% कि जो यहाँ पे उतनी बड़ी अभी तेज़ी के संकेत नहीं है। मैंने पहले भी बताया कॉन्सोलिडेशन थोड़ा फेज में चल रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो फिर आपको बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर इसमें अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे, फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको भी पता है जो भी ई गवर्नेंस का बिजनेस है वो कंपनी यहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करती है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो गवर्नमेंट के वेबसाइट्स है वो एग्जीक्यूट करते हुए नज़र आते हैं। साथ में यहाँ फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स में जो नेट सेल्स है वो आपको अब वापस बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर में और इस क्वार्टर में आप कंपेयर खुद ही देख सकते हैं कि 197 करोड़ का जो सेल्स था वो 591 करोड़ पे है। तो वो यहाँ पे स्केलेबिलिटी और इनका जो विज़न है उसको यहाँ पे परफेक्टली मैच कर रहा है और जो ग्रोइंग का चांसेज है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, डिमांड भी अच्छी है और जो इनका वन स्टोर शॉप है वो यहाँ पे काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप इसी को प्रॉफिटेबिलिटी में भी कन्वर्ट करके देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे जो आप देखेंगे 1 करोड़ से 6.35 है, ये आपको और भी बढ़ता हुआ नज़र आने वाला है। और शेयर होल्डर्स की बात करते तो शेयर होल्डर में देख सकते हैं कि यहाँ पे FII, क्योंकि यहाँ पे वो डीमर्जर हुआ था इसके कारण यहाँ पे आपको FII का होल्डिंग घटता हुआ नज़र आ रहा है। DII का स्टिल जितना था उतना होल्डिंग यहाँ पे है और आपको फिर से बढ़ता हुआ नज़र आ सकता है इन फ्यूचर जिस हिसाब से कंपनी परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे दोस्तों तो जो EPS है, सबसे पहले बात करूँगा कि जो EPS है वो आप देखेंगे तो इंडस्ट्री का PE और यहाँ पे, क्योंकि अभी तक जो अर्निंग्स है वो यहाँ पे सीधा डिक्लाइन हुआ पिछले के अपेक्षा, जिसके कारण से यहाँ पे EPE और इंडस्ट्री PE से यहाँ आपको बहुत ही महंगा लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली जैसे इसका बिजनेस है और यहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी तो ये PE आपको काफ़ी कम होता हुआ नज़र आएगा। इसलिए यहाँ पर अगर आप देखें जो प्राइस एक्शन है, पहले ये अगर आप देखेंगे तो ये जो लेवल है 15 के आसपास का ये काफ़ी बढ़िया सपोर्ट आपको है और इस लेवल में जैसे ही ये 18 के ऊपर ट्रैवल करता है, ये बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस है, इसके ऊपर अगर 18 के ऊपर ये सस्टेन करता है तो आपको एक बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिर से आपको 20 रुपीज़ 22 रुपीज़ इस जोन में जाता हुआ दिखेगा तो आप यहाँ पे आराम से बाई करके होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको 25 रुपीज़ भी दिखा सकता है। तो ऐसे ही छोटे बड़े अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएँ। और अगर आप शॉर्ट टर्म बेसिस पर प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, एजुकेशनल बेसिस पर सीखना चाहते हैं तो आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं शॉर्ट टर्म पोजिशनल कॉल शेयर करता हूँ, मार्केट मूवमेंट भी प्रेडिक्ट करता हूँ। दोस्तों उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए न्यूज नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।